तो आज मैं जो आपको जानकारी दूंगा प्रत्येक हिंदू के जानने के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अजमेर से 27 किलोमीटर दूर अजमेर किशनगंज एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है और कुछ मुस्लिम परस्त नेता, कुछ भड़वे एक्टर और कुछ नकली शहंशाह खेल जगत के, वो वहां पर कह रहे हैं कि ये जो एयरपोर्ट का नाम है ये अजमेर शरीफ के नाम से हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नाम से हो। मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि ये वही मोइनुद्दीन चिश्ती था जिसने हजारों हिंदुओं को मारा, हजारों लाखों का धर्म परिवर्तन करवाया, बला जो एशिया में मुसलमान दिखाई दे रहे हैं ये सभी हिंदू पूर्वज थे इनके, ये हिंदुओं के वंशज है, ये उन्हीं के बनाए हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के नाम एयरपोर्ट होना हम सब के लिए डूब मरने की बात है। तो आप सभी से मैं प्रार्थना करूंगा, एक छोटी सी जानकारी शेयर करके मैं आपको एक बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ये वीडियो देखनी नहीं है, एक छोटा सा आपको कार्य भी करना है। ये मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ये अजमेर में जो राज प्रसाद था, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोरा वहां शासन करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस राज जो प्रसाद था उसको तुड़वाकर मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वहां बनाई, जहां शिवलिंग था राजप्रसाद में उसके ऊपर वो दरगाह बनाई गई। तो जो नकली खेल जगत के शहंशाह जाते हैं, कुछ नकली सितारे भी जाते हैं बॉलीवुड के, कुछ नेता भी जाते हैं भड़वे इधर उधर के, और जो कहते हैं मेरी मनोकामना पूरी हुई, तो हिंदू कह सकते हैं कि वो शिवलिंग की वजह से हुई। खैर, कामना पूर्ण होना ना होना एक अलग विषय है, लेकिन दोस्तों उसके साथ एक 2.5 दिन का झोपड़ा है जहां विशाल देव की पाठशाला संचालित होती थी, वैदिक धर्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, उसको तड़वा कर वहां 2.5 दिन के झोपड़े अर्थात एक मस्जिद बनवाई गई चिश्ती की दरगाह के साथ। हिंदू कहते गर्व से, अरे मुस्लिमों ने देखो कितना अच्छा 2.5 दिन में बना दिया, ये शर्म की बात है दोस्तों। वो हमने बनाया था, वो 2.5 दिन में हमने बनाया था, वो पाठशाला थी विशाल देव की, वैदिक धर्म की शिक्षा दी जाती थी, वो मुसलमानों ने नहीं बनवाया। कंस्ट्रक्शन इज ऑल हिंदू वाइल डिस्ट्रक्शन इज ऑल मुस्लिम, अपने दिमाग में घुसा लो कि विनाश करते हैं मुसलमान, निर्माण नहीं, निर्माण हिंदू करता है। सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है तो दोस्तों निश्चित रूप से हो सकता है, क्या पता किस प्रकार कोई फैसला ले ले, ये राजनेताओं का कोई भरोसा नहीं होता। ऋषि दयानंद की जन्म स्थली गुजरात थी, लेकिन दोस्तों कर्म भूमि अजमेर थी, वहां पर उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली, और अंतिम श्वास जहां पर ली वहीं उनके सभी पुस्तकें, सभी सामान, जितना भी उनका प्रयोग है वो वहीं पर है। परोपकारिणी सभा उनकी बनाई वही है जो आज भी पूरे विश्व में वैदिक धर्म का डंका बजा रही है। ये आप और हम सब के सामने एकमात्र ऐसा मौका आया है जब हम अजमेर से इन मुसलमानों का जो प्रभाव हो खत्म कर सकते हैं, वहां पर उस दरगाह का प्रभाव खत्म कर सकते, और पुनः विशाल देव की जो वैदिक पाठशाला थी उस वैदिक धर्म का डंका बजाने के लिए ऋषि दयानंद के नाम से उस एयरपोर्ट का नामकरण हम रखवाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों ऋषि दयानंद सरस्वती के बारे में सभी ने एक स्वर में कहा, जितने कांग्रेस के नेता थे, वीर सावरकर सभी, कि ऋषि दयानंद ने हिंदू जाति की ठंडी रगों में उष्ण रक्त का संचार कर दिया। 1857 की क्रांति ऋषि दयानंद की वजह से हुई। 1947 में 85% जितने भी क्रांतिकारी थे महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। हम उस देव दयानंद का ऋण कभी चुका नहीं पाएंगे राष्ट्र। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया, उस पर जाकर आप वोट जरूर डालें कि उस एयरपोर्ट का नाम किसी मुस्लिम, किसी अजमेर शरीफ मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से नहीं, वैदिक धर्म के रक्षक प्रचारक ऋषि देव दयानंद के नाम से होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप अपने अहम भाव को त्याग कर ये ना सोचे कि अरे मैं इसकी वीडियो क्यों शेयर करूं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे राष्ट्र के एक एक नौजवान तक ये वीडियो पहुंच जाए। अपने अहम भाव को हटा करें, इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, क्योंकि डिसलाइक ज्यादा आ जाते हैं मुस्लिमों को तो वीडियो हटा दी जाती है। आपने ये वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार, लेकिन देखनी नहीं है आपको, वोट जरूर करनी है, अन्यों की करवानी है। आप कमेंट भी कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।